नागपूर येथील हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्टची यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून बदनामी करणाऱ्यांना सोडणार नाही अशी माहिती गुरुवारी एका प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ट्रस्टतर्फे देण्यात आली. या विषयावर ट्रस्टचे सचिव ताज अहमद यांच्याशी खास बातचीत केली आहे VKV न्यूजचे संपादक मुकेश हेळाऊ यांनी. नागपूर की जगप्रसिद्ध हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का एक मामला हाल ही में सामने आया हुआ है, जहां पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसको बदनाम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस विभाग को कर दी गई. और आज इस पर ट्रस्ट द्वारा एक पत्र परिषद ली गई, जिसकी जानकारी देने के लिए ताज अहमद जी इसके सेक्रेटरी हमारे साथ हैं. राजा जी, क्या कहेंगे कि ये कौन है जो इसकी बदनामी कर रहे हैं और आपने पत्र परिषद ली क्या बताएं? एक यूट्यूब चैनल के वो शाकिर रजा और मोहम्मद वसीम जो है, ये दोनों भी, बाकी पत्रकार तो कहीं दिख नहीं रहे इंटरव्यू लेते हुए, लेकिन ये दो ही आदमी जो कंटिन्यूस जो है एक 15 दिन से एक महीने से ये माध्यम से वो लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो प्यारे खान जो है वो गलत आदमी है. लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में जो व्यक्ति की जो छवि ख़राब की जा रही है वो गलत है. प्यारे खान यहाँ पे जब ताजाबाद ट्रस्ट में आए, मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ, प्यारे खान जब आए, जब मेरा और उनका जब तालमेल बैठा यहाँ पर, तो यहाँ जो काम हमने जो बरसों बरस नहीं हुआ था वो यहाँ पर हमने करके दिखाए, ये ताजाबाद ट्रस्ट की उपलब्धि है. आज जो 14 करोड़ रुपया ताजाबाद ट्रस्ट के पास में जमा है पूंजी, जिसमें अलग से FD जो है 7 करोड़ समथिंग कुछ रुपयों की है, 96,000 की है. और जब ट्रस्ट आया तो यहाँ पर कैसे है कि हमने पहले हफ्ते में 3 दिन लंगर होता था, यहाँ हमने यहाँ लंगर की सेवा रेगुलर कर दी. सुबह में बाबा का दलिया बटता है, खाना होता है, फिर उसके बाद में 2,500 से 3,000 लोग जो है लंगर की सेवा का लाभ लेते हैं. इसी तरीके से वहाँ पर हॉस्पिटल जो है, जिसमें इन लोगों ने आरोप लगाया कि उसके अंदर में खर्चा जो है वो 7 करोड़ का हुआ, ये गलत बात है. वहाँ फेंसिंग से लेके बिल्डिंग की रिपेयरिंग से लेके वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से लेके सब सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के बाद में 27 लाख कुछ रुपए का खर्च वहाँ पर है. तो ये कैसे है कि बेबुनियाद जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर आपको कहीं, अगर हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने कहीं अगर कोई गलत व्यू से काम किया है, न्यायपालिकों को अगर ध्यान में ला लाते हुए वो काम किया है तो गलत है. 1970 का स्कीम जो है उसमें कैसा है कि संशोधन है, उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, आपकी नज़र में नहीं आया. ये ट्रस्ट के पास में कोरम है, ट्रस्ट ने कोरम में बहुमत के साथ में पास किया, कोर्ट में दाखिल किया, उस पर ऑर्डर हुआ कि भैया इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाए करके. अब जो भी हाल ही में, जो भी आगे भी, जो 2 साल हमारे पूरे होने के बाद में जो भी ट्रस्ट आएगा वो 5 साल के लिए यहाँ पे रहेगा. और इनको कैसा है, जो लोग मोहम्मद वसीम वगैरह है, बाबा से श्रद्धा कम और कुर्सी पे नज़र ज़्यादा है उनकी. तो ऐसे लोगों से जो समाज के अंदर में जो ठेकेदार बन के घूम रहे हैं दो ही व्यक्ति, इनसे लोगों को मेरी अपील है कि इनसे ज़रा सा सावधान रहें. और इन्होंने हाल ही में एक आरोप लगाया है ताजाबाद ट्रस्ट के ऊपर में कि यहाँ उगाही करते हैं. भाई यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो खर्चा है, यहाँ इलेक्ट्रिक का खर्चा है, यहाँ लंगर की सेवा का खर्चा है, यहाँ पर मेंटेनेंस का खर्चा है, मस्जिद का खर्चा है, सुलभ शौचालय का खर्चे है, यहाँ पर मेला ग्राउंड का खर्चा है, यहाँ लाइटिंग के खर्चे है, दरगाह का खर्चा है. तो यहाँ की व्यवस्था और यहाँ पर जो ताजाबाद ट्रस्ट के पास में एम्प्लॉइज़ है उसको 2 करोड़ रुपए का यहाँ पर सैलरी जाती है. तो यहाँ पर ITI है हज़रत बाबा ताज, हमने अच्छा ITI को अभी डेवलप किया है. यहाँ पर हमने एक प्ले स्कूल चालू किया है, ये ताजाबाद ट्रस्ट की उपलब्धि है. और आपको कोई भी अगर बात करनी है तो वो कैसा है कि कोर्ट में जाए. अवैध तरीके से वसूली का तो आरोप लगाया है, लेकिन चोरी का भी आरोप जिस तरह से उस चैनल के माध्यम से कुछ वीडियो जो वायरल हुए उसमें भी लगाया है, कितनी सच्चाई बयां करते हैं सारी चीज़ों को, और ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्या भैया इनको कैसा है, ब्लैकमेलिंग का जो इनका जो है माम, चोरी का भी बताता हूँ. यहाँ चोरी वोरी नहीं होती है, यहाँ कैसा है कि प्यारे खान साहब ने
हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट में जो उनके कंपनी के अंदर में के जो डेली खर्चा होता है CBS जो बनता है, तो यहाँ पर अगर एक रुपया भी अगर कहीं अगर जाता है या एक रुपया कहीं से आ रहा है और कोई सामान अगर हम यहाँ बुलाते हैं तो हमारे ट्रस्ट को जो ऑर्डर देते हैं हम कर्मचारी को, वो जाता है उसकी, फिर वो लाया तो उसकी एंट्री होती है, जहाँ लगा उसकी भी एंट्री होती है। तो ऐसी कैसी है कि हम तीन जगह पर एंट्री करवाते हैं, तो कैसा है कि आरोप लगाना आसान है लेकिन सिद्ध करना, उसके लिए हमने जो आरोप लगाए हमने कंटेम का नोटिस भी इशू कर रहे हैं और दूसरा कैसे मनहानी का भी नोटिस उनको दाखिल करेंगे। और हमने हाल ही में अभी पुलिस कमिश्नर और DCP Zone 4 और शकदरा थाना सारे महकमे को हमने इनके विरोध में कंप्लेन दर्ज की है कि एक झूठा प्रसार जो ये लोग चला रहे हैं इसके अंदर में जनता इनसे सावधान रहे, और ये जो बातवियाँ जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि घंटी बजा दो ये कर दो, ये सब कैसा बेकार की बात है। मैंने 2013 से यहाँ पे केस लड़ी थी, तो मैंने अपने निजी पैसे से लड़ी थी, उसके बाद में 14 साल के ट्रस्ट को हमने जो रहता था शेख हुसैन भाई का उनको हमने बर्खास्त किया, फिर उसके बाद में 16 के अंदर में GM कुबड़े प्रशासक नियुक्त हुए, वो उनको निकालते निकालते हमको 4.5 साल लग गए। बाबा का हम पे आशीर्वाद बना रहा, आज हमको बाबा ने यहाँ बिठाया, हाँ उसमें कोई तकल नहीं, ये ट्रस्ट अच्छा है, खूबसूरत है, यहाँ की अवाम खूबसूरत है, यहाँ हमने अच्छा विकास के काम को अगर गति दे रहे, 224 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट फिर हम लेकर आ रहे, यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा और जो अनकम्प्लीट डेवलपमेंट था यहाँ पर उसको कम्प्लीट कर रहे। आने वाले समय में जब 2 साल का हमको कार्यकाल का समय मिलगा तो हम अच्छे से और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि हमारे आपने हमेशा कहा है कि यहाँ पर जो चाय जो पीते हैं, मतलब कोई मेहमान को जो, वो भी आप अपने पैसों से पिलाते, ट्रस्ट का पैसा उपयोग में नहीं लाते, बावजूद इसके ऐसे अनगिनत आरोप यूट्यूब के माध्यम से हो रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों को क्या चेतावनी देंगे जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए कि ये जो बिल है चाय का ये प्यारे खान साहब देते हैं, तो केंद्रीय मिनिस्टर गडकरी साहब ने उनको उदाहरण दिए थे के शेगांव का, गजानन महाराज का, कि भाई वहाँ का जो कार्यकारी अध्यक्ष जो भी रहते हैं वहाँ पे ट्रस्टी, वो चाय अपने पैसे की नहीं पीते। तो विदिन डे से वहाँ पर, यहाँ पर कैसा है कि पानी हम लोग बुलाए, खाना हमारे पैसे से, चाय हमारे पैसे से, बाबा में खिदमत का जो हमने हमको जो अवसर मिला हम उस तरीके से खिदमत को अंजाम दे रहे, सारे पैसे हमारे जेब से जाते, हमारा एक बाउचर नहीं है, एक्सपेंसेस जो लेते तो वो भी हमने बंद किया और उसके ऊपर में हमने अपने तरफ से एक्सपेंसेस अपने खुद के निजी पैसे से कर रहे, ये जनता देख रही है। और कैसा है यहाँ का एम्प्लॉयज भी देख रहा है, जो बोलते हैं ना कि एम्प्लॉयज को तकलीफ हो रही है, जो उनके कैसे जो 2-4 जो रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो रहता है खामी, घर के अंदर में सभी बराबर नहीं रहती है, घर में सभी बराबर नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो उनको तकलीफ होती है। तो वो हमारा एक ट्रस्टी भी इसी का लिप्त है, तो वो GM कुबड़े जो 4.5 साल रहे तो वो उन्होंने भी वही काम किया है कि यहाँ पर एक नियामत खान करके एक कार्यकर्ता है, तो हमारा लॉन है, लॉन की जो जगह है कुबड़े साहब ने उसको बेच मारी दी, जो लॉन के अंदर में गेट जाने का उसको रूम के जगह वो उसको हमने वहाँ से हटाए, हटाने के बाद में जो कुबड़े महाराज ने उसके 4.5 लाख रुपए दिए थे ये ट्रस्ट ने उसकी भरपाई करके उसके 4.5 लाख रुपए वापस करे। अनगिनत मामले ऐसे हैं कि इन्होंने कुछ दरगाहों को भी जगह 5,000 दी थी, कोर्ट के अंदर में उन्होंने अभी तक आज तक रिप्लाई दाखिल नहीं किया। तो ये सब सारी चीज़ों के मसले हैं, कैसे है कि अगर हमारे से अगर कोई गलती होती है तो हम सरासर बोलेंगे कि ये गलती होती है, जहाँ गलती कर ही नहीं रहे हम पहले ही दिन से यहाँ पर जो बाबा में कसम खाई थी कि यहाँ पर जो है वो अच्छे से काम चले, बाबा ने हमको खिदमत का मौका दी, कमाने के लिए बहुत सारी जगह है और बाबा हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारा कमाई का जो जरिया है बहुत अच्छे से है और चलता है। और जो आज हाल ही में जो 50 करोड़ का आज जो 100 करोड़ का आदमी है, टैक्स पैड आदमी है, जो 50 लाख रुपये का टैक्स भरता है तो विद GST के साथ में, उसके ऊपर में इस तरीके से आरोप लगाना ये ज़रा सा ठीक नहीं है, और इसके लिए हमने पुलिस स्टेशन के अंदर में कंप्लेंट की है। और ये कैसा है कि जो बाबा हुजूर का जो दरगाह है
ये सर्वधर्म संभव का दरगाह। इसके अंदर में मैं क्रिश्चियन जमात से आया, वो आपको जब स्कीम के बारे में पाठांतर लिए तो किसी वकील की के पास में जाके क्लास लगा के उसके बाद में बातमियाँ दो। तो यूट्यूब के माध्यम से एक ही चैनल बात कर रहा है, नागपुर शहर के अंदर हज़ारों यूट्यूबर है, हज़ारों चैनल है, उन लोगों ने ये बात नहीं करी क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि ताज़ाबाद में क्या खूबसूरती आई है, ताज़ाबाद कैसा डेवलप हो रहा है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर आता है और खुश होकर जाता है। पहले यहाँ मांगने वाले अंदर रहते थे, हमने मांगने वालों को बाहर करें, यहाँ गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी को जेल में बंद करें, तो ये सब सारी चीज़ों को उपलब्धि है। अब धीरे धीरे कैसा है कि अब ये भी लोग उस लाइन पर जा रहे हैं तो शायद पुलिस इस पर में हस्तक्षेप लेंगे और गुनाह दाखिल करेंगे इनके खिलाफ। ट्रस्ट का एक इशू आ रहा है अभी एक्सटेंड को लेकर, मतलब कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर आरोप हो रहे हैं कि अवैध तरीके से ये सारी चीज़ें करके एक्सटेंड किया गया है। उसका मामला भी धर्मदाय आयुक्त कार्यालय में दाखिल किया गया है, याचिका भी। क्या कहेंगे, क्या भी? देखिए, पहले कैसा है, मैंने आपको अभी जिक्र किया कि किसी अच्छे वकील से पहले मशवरा ले और उसकी स्टडी करें। सुनो तो सर, कैसा है कि हमारे पास में मेजॉरिटी है और स्कीम 1970 का है, उसके अंदर में क्लॉज में था कि इसके अंदर में आप संशोधन कर सकते हैं। स्कीम के अंदर में हमने अमेंडमेंट किया और उसमें ऑर्डर पास हुआ। अब ऑर्डर किसी को दिक्कत है तो वो अपील में जाएं, हम उसका जवाब देंगे और यूट्यूब पे आके जवाब नहीं देंगे क्योंकि कायदे और न्यायपालिका को आप पे भी भरोसा है और मुझे भी भरोसा है। तो न्यायपालिका के अंदर में जाए, वो तो कुछ जो ऑर्डर्स है वो जवाब तैयार है, सवाल ही नहीं होता। ये बदनामी जो कर रहे हैं उसको क्या कोर्ट में खींचने की आपकी तैयारी है, जो पत्र परिषद? सर, इसके अंदर में हम कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर रहे हैं और मनहानि का भी दावा करेंगे और इज्जत दावा भी ठोकेंगे। क्योंकि कैसा है, ये इतना बड़ा देवस्थान है और जहाँ पर कैसा है कि प्यारे खान जो है आज एक अच्छा समाज के अंदर में उसकी इज्जत है, और ऐसे लोगों के ऊपर में आरोप और हमारे ट्रस्टियों के ऊपर में आरोप लगाना ये निंदनीय है और अच्छा नहीं लगता है कि जो बात करे जो वाजिब रहे, बिला वजह की बात करके कोई उसका मतलब नहीं रहता। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो एक सरासर ब्लैकमेलिंग है कि भाई क्या प्यारे खान से कुछ पैसे की उगाही कर ले इस तरीके से, तो वो मोहम्मद क्या नाम तुम्हारा वसीम जो है उनके भी पता चला कि वो भी कुछ तम्बाकू के तस्कर वगैरह है और ये दोनों मिलके इसी तरीके से साठ गाठ करते हैं। वो दो ही का इंटरव्यू चलते रहता है, बाकी तीसरे आदमी का कोई इंटरव्यू नहीं है। नहीं नहीं, ताजबाग ट्रस्ट कानूनन तरीके से पूरी टेक्निकल तरीके से कार्रवाई करेगा और इन पे गुनाह दाखिल करेगा। से बातचीत करने ताज अहमद थे, जो सेक्रेटरी है ताजबाग ट्रस्ट के, जो हमसे रूबरू हो रहे थे थोड़ी देर पहले। पत्र परिषद ली गई और पत्र परिषद में जिस तरह से यूट्यूब पर जो बदनामी की जा रही है, उस यूट्यूब चैनल उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी तरह से उसका जवाब दिया जाएगा और कोर्ट में खींचा जाएगा, ऐसा उनका कहना रहा। तो कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश हिडाऊ, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।